2 ऑफ 1 और 2, यानी 1 बाय 2 निकालना है आपको, इसका भी निकालना है ये जो वैल्यू, और इस वैल्यू का भी निकालना है। चलिए इसको शुरू करते हैं ए पार्ट से। तो 1 बाय 2 ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पहले निकालना है 2 3 बाय 4 का, ये है फर्स्ट पार्ट, और 1 बाय 2 ही निकालना है बी पार्ट का जो सेकंड पार्ट है, यानी 4 2 बाय 9। ये 1 बाय 2 इस वैल्यू का भी निकालना है और 1 बाय 2 इस वैल्यू का भी निकालना है, दो वैल्यूज है आपकी। चलिए यहां से सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 बाय 2 तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन आगे ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना जरूरी होता है। तो 4 2s are 8 9 10 11, तो ऊपर 11 बन जाएगा और नीचे 4 का 4 ही रहेगा। ये तरीका होता है, नीचे वाले को बीच वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसमें ऊपर वाला प्लस कर देते हैं, तो हमें ऊपर वाला नंबर मिल जाता है जो यहाँ लिखा जाता है, नीचे का सेम रहता है। अब 2 और 4 ये नीचे है, 2 और 4 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं कट रहा, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 11 1s are 11, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2s are 8। अब 11/8 आ गया है, 11/8 को हम मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हैं। जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर को बना सकते हैं, और बेहतर होता है कि उसे बना दें। तो 11 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 1s are 8 माइनस करके आ गया 3। तो ये 1 जो है ये होल नंबर है, तो 1 बीच में लिखा जाएगा, नीचे की चीज नीचे ही रहती है, और ये जो रिमाइंडर होता है ये ऊपर आ जाता है। इस बात का ये मतलब है कि कोई एक चीज तो पूरी है और जो दूसरी वाली चीज है ना उसका 3/8 पार्ट है। तो ये इसका सॉल्यूशन हुआ। इसी का सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट में हमें 1/2 ऑफ 4 2/9 निकालना है। तो 1/2 तो एज इट इज ही रहेगा, मल्टीप्लाई इसे हमें ठीक करना पड़ेगा। 4 9s are 36 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा, और नीचे 9 का 9 रहेगा। अभी 2 और 38 ये मुझे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब भी नंबर आपका एक ऊपर हो एक नीचे हो और सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हो तो वो कट जाते हैं। ये 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, 38 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये वैल्यू 19 आ जाएगी। अब कुछ नंबर ऊपर नीचे नहीं कट रहा, तो ऊपर है 1 multiply 19, यानी 19 1s are 19, और नीचे 9 1s are 9। अब ऊपर बड़ा नंबर है ना, तो इसका मैं मिक्स फ्रैक्शन बना लेता हूं, तो 19 को 9 से डिवाइड कर लेता हूं, 9 2s are 18, और माइनस करके ये 1 आ गया। तो 2 तो होल है, बीच में लिखा जाएगा, 9 नीचे है नीचे ही रहेगा, और ये जो 1 रिमाइंडर है ये ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हुआ। ये मैंने ए पार्ट कर दिया है, चलिए अब बी पार्ट करते हैं इसका। तो बी पार्ट करने के लिए बी में मुझे 5/8 ऑफ ये दोनों की वैल्यू बारी बारी लेके इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो अभी मैं क्वेश्चन बी कर रहा हूं। तो 5/8 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और पहले मुझे निकालनी है वैल्यू 3 5/6 की। तो ये तो है पार्ट 1, और पार्ट 2 में मुझे वैल्यू निकालनी है 5/8 ऑफ। तो 5/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 9 2/3 9 2/3 सॉल्व करते हैं। 5/8 एज इट इज लिख लूंगा मैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसे इम्प्रॉपर बनाना पड़ेगा। 6 3s are 18 18 में 5 जोड़ देंगे तो 23 हो गया, और नीचे 6 एज इट इज रहेगा। अब 8 से ऊपर कोई नंबर कटता नहीं दिख रहा, 6 से कोई नंबर ऊपर कटता नहीं दिख रहा, तो कोई ऑप्शन नहीं है, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे हम। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3s are 15 का 5 और ये 1, 5 2s are 10 और ये 11, 115 आ गया है ऊपर, और नीचे 8 6s are 48 आ गया। ऊपर बड़ा नंबर है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन हम बना सकते हैं, तो 115 को 48 से डिवाइड करना पड़ेगा। 48 2s are होता है 96, माइनस कर लेते हैं, 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ पे 10, 15 हो गया 6 गया तो 9, और यहाँ 10 बच गया, 10 में से 9 गया तो 1। तो 2 तो इसमें होल है, बीच में लिखा जाएगा, 48 से डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे ही रहेगा, और जो रिमाइंडर आया है वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट देखिए,
फाइव अपॉन एट एज इट इज ले लूंगा मैं अभी, ये मिक्स फ्रैक्शन है इसे बना लेते हैं इम्प्रॉपर, तो 3 9 27 27 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 29 और नीचे 3 का 3 ही रहेगा। अब 8 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं कट रही है, 3 से भी कोई भी वैल्यू नहीं कट रही है, तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो 29 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45 और ये 4, 5 2 10 और 4 14, तो 144 तो आ गया, 145 तो आ गया है ऊपर और 8 3 24 आ गया है नीचे। अब ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं, तो 145 को 24 से डिवाइड कर देते हैं, तो 24 6000 पे जाएगा ये 144 और माइनस होके 1 आ गया, तो 6 तो होल नंबर हो गया, 6 बीच में लिखेंगे और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे है तो नीचे ही रहता है, रिमाइंडर को ऊपर लिख देते हैं। तो जब भी आप इनको सॉल्व करें ना मल्टीप्लाई को, अगर आपका ऊपर बड़ा नंबर है तो आप उसे डिवाइड करके जरूर मिक्स फ्रैक्शन में बना ले, लेकिन अगर बाय चांस आपका ऊपर कोई छोटा नंबर आ जाए, लेट सपोज 17 अपॉन 19, फिर आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन खत्म, तो इस वीडियो में बस इतना ही।